और बन के हैं रेडी यहाँ पे उत्तम। मैंने आज तक कभी ऐसा कटहल नहीं काटा, कटहल कुटल लिया ही कैसे काटूंगी मैं ये। लोग पूछ रहे थे ना पापा कैसे पापा कैसे, मैं तो इस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपको बाहर निकालेंगे और दोस्तों बाहर आने के बाद मैं क्या देख रही हूँ, अरे वाह। हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कुछ दिनों पहले जिस बारे में बात कर रही थी वो क्या है। मेरे को मीशो से कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। अभी मैं थोड़ा स्टार्टिंग बेस पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा सेटअप है, यहाँ पे भी ड्रेस है और सामने लगा हुआ है ये कैमरा। तो इस तरीके से मैंने कैमरा लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। तो दोस्तों बेसिकली मैं मीशो लाइव कर रही हूँ आजकल, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये बात क्योंकि आप लोग फैमिली हो, आप लोगों के साथ हम सारा ब्लॉग शेयर करते हैं, अपनी मतलब डे टू डे लाइफ बताते रहते हैं, तो ये चीज़ कैसे छुपी रह जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, घर का काम काज मैंने कर दिया। आज मेरा मॉर्निंग का लाइव है तो मैंने जल्दी से उठ के झाड़ू पोछा कर दिया क्योंकि उसके बाद फिर जब सब उठते हैं तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए मैंने पहले ही जल्दी उठ के कर लिया कामकाज। अब मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। समर्स मीन्स हैप्पी एंड ब्राइट डेज, पर इतनी तेज धूप में मैं अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर कैसे भेजूं? एज अ कंसर्न मदर मैं ट्रस्ट करती हूँ मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन पर, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से मेरे बच्चों की स्किन को सेफ रखता है। मामा अर्थ रिच मॉइस्चराइजिंग अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन SPF 50 प्रोटेक्ट करता है हमारी बेबी की सेंसिटिव स्किन को स्ट्रॉन्ग सन रेज से और नरिश्ड और मॉइस्चराइज भी रखता है। हम माएँ बेबी प्रोडक्ट्स को लेकर कितना रिसर्च करती है, इसलिए मेरा ट्रस्ट है मामा अर्थ के प्रोडक्ट। इट इज सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री एंड मेड सेफ, इट हैज हाई SPF 50 प्लस प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्स UVA एंड UVB रेज, वाटर रेजिस्टेंस फॉर अप टू 120 मिनट्स, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नो व्हाइट कास्ट एंड कैन बी यूज्ड ऑन बोथ फेस एंड बॉडी। ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन मामा अर्थ वेबसाइट, मामा अर्थ ऐप, अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल। आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं इस प्रोडक्ट पर हमारा कूपन कोड यूज करके। जैसा कि आप जानते हैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, पर इनके स्टोर भी हमारे आसपास मौजूद है। आपके आसपास कौन सा मामाअर्थ का स्टोर है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करना, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। बाय बाय। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार, अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही सेटअप किया हुआ है, जब थोड़े दिन हो जाएंगे तब मैं एक पैनल सा लाऊंगी और उसमें हैंगर में ड्रेसेस टांगा करूंगी। तो धीरे धीरे होगा ये सब काम, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो देखते हैं आज का लाइव करने के बाद कैसा रिस्पांस रहता है हस्बैंड का, क्योंकि वो भी मुझे लाइव में देखते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि हाँ तू ऐसे कर रही थी ऐसे कर रही थी। तो बच्चे और अभी वो सब सो रहे हैं, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नाश्ते पे। दोस्तों मेरा लाइव हो चुका है खत्म और देखिए क्या हाल हो गया बेड का। इस तरीके से बेड का हाल हो गया, उधर देखिए कैसा हो रखा है, और उठ गए हैं मेरे पति देव, और ये देखिए ब्रश कर रहे हैं, और मेरा चू भी उठ गया, मेरी डॉल है ये, मम्मा को पानी नहीं किया हमने उठ के, और वो काशी उड़ गई। मेरा बाबू पाल के तू पा कहती भाग गई थी मेला बाबू, आहा मेला कोलियन बच्चा ये मेला चुद। ए फॉर नहीं बोलेगा। और दोस्तों बाहर आने के बाद मैं क्या देख रही हूँ, अरे वाह। तो मेरा वर्क खत्म होने के बाद मैं किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए, तो इन्होंने पहले से ही अंडा भुजिया तैयार कर रखी है और गर्म भी थी अभी, तो धन्यवाद इसके लिए। सबसे अच्छी बात सही में, मैंने ना बताया दोस्तों आटा भी निकाल के रखा हुआ था कि ना जल्दी जल्दी से, जैसे ही मेरा लाइफ खत्म होगा तो इन्होंने जिम जाना होता है, तो जल्दी जल्दी से ना एग भुजिया बना के रोटी बना के जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है इस टाइम तक, तो अब जल्दी से बनाती हूँ बिना बात किए हुए। धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छे हो। तो बस दोस्तों नाइट का टाइम हो गया है, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, और अभी जो है कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट से, कपड़े यहाँ पे नीचे क्यों रखे हैं सोफे पे, क्योंकि ऊपर आ गई है बारिश तो नहीं लेकिन बारिश आने के संभावना है, तो इसलिए कपड़े सोफे पे लगा दिए हैं। तो फिलहाल अभी जो इसमें से जो कि गर्मियों का तोहफा है इसमें से सबको देते हैं और दिखाते हैं फिर आपको आगे।
अभी मैं आ गया हूँ अंदर और पिछले ना 3-4 ब्लॉगों में काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो हाँ बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं जो आपके फादर हैं जो पापा हैं वो दिखाएं नहीं आजकल ब्लॉग में, तो माँ ही बताएगी। तो मैं बता देता हूँ कि पापा गए हुए हैं गाँव और देख लो मैं बना रहा हूँ इस चीज को लेके वीडियो आज के दिन, क्योंकि पापा जो है कल ही आ रहे गाँव से, कल ही आ रहे गाँव से। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी तो पापा ने बोला गांव के चक्कर मार के आता हूँ, ज्यादा तो हम लोगों को भी था पर कोई ना बच्चों के साथ हो नहीं पाता है कभी भी। घूमना हम बहुत चाहते हैं लेकिन बस बच्चों की वजह से नहीं घूम पाते, बस बच्चों की और आपकी वजह से नहीं घूम पाते, बाकी सब भगवान की दया रही। भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ अगले हफ्ते जा सकते हैं घूमने के लिए, शायद अपने घर गए हो वो अपने गाँव में गए 2-3 दिन के लिए गए हो ना। सही बात है, अरे वो तो है कहीं जाओ तब जाके। हाँ। मतलब मैं तो इस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। बहुत अच्छे से निकालेंगे अब चलो। बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, जब भी चलेंगे ना आपको साथ लेके चलेंगे। आज बारिश हो रही पर बहुत ज्यादा, मत निकलो धूप हो रही है, देख लो भैया। दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे, सबसे ज्यादा तो यही था कि ससुर जी क्यों नहीं दिख रहे, तो ससुर जी गांव गए हुए हैं, होप अब पता चल गया, कल से आपको ब्लॉग में दिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप पूछ रहे थे कि मैंने एक बार मीशो का जिक्र किया था कि मीशो का आप क्या वर्क करते हैं वो बता दीजिए, तो मैंने मॉर्निंग से आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया, प्लस मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ मैं मीशो लाइव करती हूँ। मीशो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ड्रेस मटेरियल सब मिलता है, घर का वगैरह सामान, ई कॉमर्स साइट है, आप वहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। तो मीशो में दो तरीके की शॉपिंग होती है, एक तो जो पिक्चर देख के हम यूजुअली करते हैं शॉपिंग, इधर आओ मेरे को बोलने दो, और दूसरा होता है लाइव शॉपिंग जिसमें आप कपड़े देख के शॉपिंग करते हैं। तो आप लोग मुझे मीशो लाइव में देख सकते हैं और बाकी तो आप लोगों को सब बता ही चुका, होप आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इधर आओ बोंटू, आओ मेरे दोनों बनिया धारियो, बोल दो हो चुकी है सुबह, मेरी सुबह अभी हुई है क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठ के आया हूँ, सीमा की पहले ही हो गई थी और अच्छा है कि पहले हो गई थी क्योंकि नाश्ता बन रहा है, बन रहा है उत्पम शायद UTT करके आता है ना, UTTPA अच्छा उत्पम है शायद, साउथ की कुड़ी से गए, साउथ ही है, डोसा वगैरह जहाँ हम खाते हैं इडली डोसा वहाँ मिलता तो है ही है, दोस्तों ये है और पता नहीं कितने सारे वेजिटेबल, लाइट खोल के दिखाऊंगा, अभी दूसरा वाला दिखाना, अच्छा ये वाला मत दिखाओ, जब बहुत सारे बन जाते हैं ना तब दिखाना, चलो ठीक है। तो ये बन रहा है उत्पम, खाने में आ जाएगा उत्पम, तो बस दिखाते हैं आपको और बन के हैं रेडी यहाँ पे उत्पम, और ये वैसे लग रहे जैसे वो कन्फेक्शनरी में होते हैं ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सैंडविच, अरे हाँ कुलचा, कुलचे के ऊपर होते हैं ऐसे, हाँ तो एक कुलचा लग रहा है जो मिलता है बाहर ऐसा लग रहा है। चलो घूमो घूमो घूमो, ये मजा आ गया, क्या हुआ चिल्ला के क्यों आ रही है, ये देखना क्या है, ये कटहल है, ये इसीलिए कहते हैं यार मैंने आज तक कभी ऐसा कटहल नहीं काटा, कटा कुटा लिया ही कैसे काटूंगी मैं ये यार, ये हाँ काटने में दिक्कत तो आएगी यार, मैंने सोचा नहीं इस बारे में, काटने में दिक्कत तो आएगी पर ये पर काटते टाइम मजा भी आएगा। आगे कह रहे मैं काम कर रही हूँ, कह रहे मैं कटल वाली मूवी देख रहा हूँ आजकल, कटल 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 मेरे को लगा पता नहीं कैसा कटल लेके आए, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि फुल कटल ला रखे हो, तो वो तो ये है कि चल छोटे पता नहीं यार चक्कू लगेगा भी कि नहीं लगेगा इसमें कुछ नहीं जानती मैं, और इसमें पता है कितना चोप निकलता है हाथ में लगता है, तो एक काम करेंगे मैं कल इसको कटवा के ले आऊंगा। हे भगवान खानी सब्जी आज है कल लाओगे तुम, हे भगवान आज कुछ और खा लेंगे, क्यों काशी आज कुछ और खा लेंगे, सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ। तो देख लो भैया कुछ देर पहले कह रही थी कि कटल क्या लेकर आए तुम, और मेरे ख्याल से उसके बाद सीधे ब्लॉग ही अभी बन रहा है, बीच में कुछ बनाया भी नहीं, मुझे दी खटा मटर, मटर नहीं मतलब कटहल, कटहल सुबह तो कह रहे थे मुझे कटहल खाना है, कब तो सुबह पीछे देख के बोल रही है,
जब तक उसने ये देखा था ना कि कटहल इसके अंदर है, जो सीमा को पसंद नहीं आ रहा था, तब कह रही थी मुझे खाना है, और जब देख रही है कटहल के अंदर से ऐसा निकल रहा है तो मुझे नहीं खाना। ये कटहल के अंदर से तो बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत अच्छा कटहल लाए हो तुम कच्चा, पर आफत कर दी तुमने बस। अच्छा लाए हो ना, क्योंकि ये देखो इसमें ना चो बहुत ज्यादा निकलता है, वो है यार। मैंने सरसों का तेल लगाया, हाथ से ये भी स्लिप हो रहा है, ये भी निकाल रखा था मैंने काटने के लिए, इससे तो कट ही नहीं रहा। वो तो ये नया चक्कू लिया ना, तो इसका थोड़ा शार्पनेस ज्यादा है। अरे एक ही यार कटहल, मजा आता है खाने में, ये बात है। मजा आता है, सही बात। कटहल जो भैया अच्छा बनाते हैं उनके लिए, ये यहाँ तो पैसा भी बन जाए पर ये खा लेते हैं। कटहल तो अच्छा बनाती है सीमा। कटहल और दूसरा जिम्मी गन भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, दोनों ही हार्ड सब्जी है, काटी नहीं जाती। ये भी अच्छा है ना, अच्छे हैं दोनों। शंभू कटहल खाएगा, कटहल खाएगा कटहल, अच्छा ठीक है। तो भैया यहाँ तो खाना क्या है कि बन रहा है, वहाँ की वहाँ बर्तन धो रही है, यहाँ चल रहा है मैच सुपर 8 इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है मैच। अरे शंभू यहाँ पे है, तुझे पता था पापा आने वाले हैं? हैं मम्मी कल डालेंगे वीडियो, अब हाँ कल डालेंगे माँ। तो वहाँ पता नहीं काशी अपना क्या कर रही है। कैसा हो रहा है कटहल? अभी कुछ देर पहले तो बड़ा बोल रहे थे तू, अरे तूने वाल दिया, ये कर दिया भैया ना, बोलता मुझे अभी भर के दिया था मैंने, भर के दिया था मैंने। तो क्या है कि हमने कहा था क्योंकि इसने उबाल दिया था, मैंने कहा उबाल क्यों बना रही है ऐसे, मम्मी आ रही है, दोनों के दोनों यही कर रहे थे मम्मी और ये। सच में सही हो रहा है? पर बहुत अच्छा हो रहा है, सही। मुझे लगा कि उबाल से उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, तो अच्छा मजा आ गया। अभी अंदर के पापा भी आ गए और मम्मी भी खा रही है। मैं इसे दिखा देता हूं, मैं हल्का सा दिखा देती हूं दोस्तों। आप लोग पूछ रहे थे ना पापा कैसा है, ये देखो यहां सब बैठे आराम से खा रहे। कैसा हो रहा है मम्मी ये बताओ, कैसा हो रहा है? हाँ तो दोस्तों मैं कटहल की शक्ल भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से बना है कटहल, सूखा बना रखा है मैंने, अच्छा लग रहा है सबका। चलिए बस दोस्तों कटहल की शक्ल के साथ में करते हैं ब्लॉग को एंड, और मिलेंगे आपसे जल्दी न्यू ब्लॉग में। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।